हाय व्हाट्सअप एवरीवन, आ गया हूँ मैं अपने बाइक पार्किंग में से लेने, क्योंकि अभी घर में खड़ी है। आज मैं जा रहा हूँ, एक व्यायामा का छोटा सा इवेंट है और एक छोटी सी दिक्कत हो गई है बाइक में, उसको दिखाने। तो आपको बाइक दिखाता हूँ, सबसे पहले इशू क्या है बाइक के अंदर। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये चीज़, ये पैंट उतर रहा है इसका यार, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से भी उतर रहा है। ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसके अंदर, दिखाते हैं इसको। वारंटी क्लेम करने बताया वैसे तो जामा ने मुझे, बाकी हम कैमरा में मिलते हैं। तो अभी आ गए हैं बाइक पे गाइस, अभी मैंने बाइक निकाल लिया और अपन अभी चलते हैं यामा की शोरूम के साइड। प्लस मेन थिंग ये है कि मुझे सबसे पहले जाना है शोरूम पे, वहाँ पे इवेंट होगा एंड एवरीथिंग विल बी डन देयर। तो कुछ सर्वे वगैरह है, उसके बाद मैं कोई टैंक आपको दिखाया मैंने, ये टैंक दिखाना है मुझे, और मेन चीज़ बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपन चलते हैं और चलो बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। जुब्बू कहाँ है? ये हमारे जुब्बू मियाँ मिले हमें, ले लिया पार्सल। हाँ। चल अम्मी को दे दियो ये, ठीक है? ठीक। बाइक को रिफ्यूल भी करवाना है क्योंकि अभी इसमें फ्यूलिंग बहुत कम हो रखी है, बहुत दिनों से मैंने डलवाया नहीं पेट्रोल, जैसे कुछ एक डेढ़ दो लीटर होगा समथिंग इसके अंदर ना। रिएक्शन रिकॉर्ड करना है ना, तो भाई आराम से लेकिन कर जाओ और एक कैमरा लगा लो। मस्त रिएक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, एक नंबर। आमिर अभी हमारे आ चुके हैं माउंट पे, अभी वो पीछे लाइन से जीत सक रही है भाई। तो ये खड़े हैं तुम्हारे सक्रिय प्रेमी मामू लोग, जो क्या सब बहुत पावर में चल रहा है, दिन बहुत ज्यादा कीड़े हो रहे हैं आपका करने के, बहुत ज्यादा दिक्कतें कर रहे हैं भाई। है जयपुर का अभी कुछ दिनों पहले भी मुझे पकड़ा था और ज्यादा नाटक कर रहे थे मेरे को पकड़ के। देखो ये सफर जा रहा है और जो मंजिल है ना आपकी वो ये है, यू नो व्हाट आई मीन, ये कब्रिस्तान है। तो ये आपका सफर चल रहा है जो कि जिंदगी है, और आखिर जो है आपका वो यही है जो कि आपका है कब्रिस्तान। लॉन्ग कैसे लो ऐसे कह लो एक्सपीरियंस नाक चलाने का। ये देखो आप, ठीक है नहीं भाई, ये देख कैमरा में नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा उस चीज से नहीं कर पा रहा है। अगर सामने मेरे कोई होता साथ में राइडर, मैं सभी उसको देख पा रहा था, इतना ज्यादा लीन हो रहा है। ये जगह है ना भाई, मैं तो सीन थोड़ा ऐसे है मेरे साथ। ये हाँ भाई, मेरी अम्मी क्या कहती है मुझे, कहती है जब बाइक चलाता है रिपोर्ट करता है ना वो तो गाड़ी से ध्यान नहीं देता। हेलो हेलो जी मैम, मैम मेरे को 20 से 25 मिनट लगेंगे बस, मैं रास्ते में ही हूँ।
थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है अभी, अच्छा ज़्यादा नहीं होता स्लाइटली, क्योंकि अभी क्या न्यू होती है ना, जब तक तब तक तो बहुत अच्छा रहता है। इसकी एज बढ़ते बढ़ते आ रहा है, मैंने और बाइक चलाई है उसमें हार्ड हो जाती है शिफ्टिंग, इवन दो वी आर ड्यूबिंग इट ऑन प्रॉपरली, इवन फिर भी वो वही आता है। एक्चुअली ये तो पार्ट भी मेंटेनेंस ही है जो, क्योंकि क्लच निकल रहा है बस ये जानना है कि चेन मतलब लूज कितने किलोमीटर में होती है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है लूज होना उसका अपनी ड्राइविंग में होता है। ये कुछ ऐसी कंडीशन है, सपोज के कि लेट्स से आपने रेनी सीजन में चलाया, ठीक है, या कभी मड वाली ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो उस समय पे क्या होता है कि दो तरीके की चेन है बेसिकली, जैसे दो प्लेट है, कभी पहले जैसे साइकिल में चेन आती थी उसमें हम लोग कहते हैं रिंग यूज़ कर देते हैं, नहीं उसमें रिंग यूज नहीं करते थे हम, बेसिकली क्या है उसको जोड़ देते थे पिन से। हाँ करेक्ट। हाँ, और उसका जो मेंटेनेंस होता था वो सिंपल वो होता था कि मतलब उसमें थोड़ा ल्यूब वगैरह घिसा दिया या इस तरीके से मतलब इंजन ऑयल डाल दिया। तो अभी की जो चैन है थोड़ी सी जो है, जो ये हाई रेट जो मॉडल होते हैं, जो रेसिंग वाले जो मॉडल होते हैं, इनमें क्या होता है सिंपल एक रिंग डाल देते हैं इसके बीच में, और इसमें क्या होता है ऑटो लुब्रिकेट होती है, मतलब जब बनाते हैं इसको नहीं तो कम्प्लीटली ग्रीसिंग का प्रोसेस होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मेंटेन कैसे करना है कि जैसे जैसे आप उसमें गए मतलब मड में या वाटर में जब भी सर्विस उसमें आते हैं तो पहला पर्पज इसका सिंपल क्या है, उसको क्लीन करना पूरा, तो एक तरह से डिग्रीसिंग वाला प्रोसेस है क्योंकि उसमें ग्रीस लगा हुआ है, गंदी हो रखी है, मड है, सैंड है, सारे पार्टिकल उसमें छोड़े आपके, जब वो दोनों प्लेट आपस में चलेंगी तो दोनों एक दूसरे को क्या रब करेंगे, और जैसे जैसे रब करेंगे दोनों प्लेयर जो है बाहर को आता जाएगा, जितना बाहर अब जैसे इसमें टोटल अगर आप मानोगे 150 प्लेट है, अगर आप पूरे गिनोगे तो अगर एक प्लेट एक मिलीमीटर जा रही है तो सारी प्लेटों में फ्रिक्शन होगा आपस में, तो उतना ही इम्पैक्ट जो है पूरी लेंथ पे डालेगा। सो इसलिए सिंपली क्या है, हर उस पर इसको थोड़ा सा मतलब मेंटेन करके रखना है। आप नॉर्मल अच्छे इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आपको शायद जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, मतलब कभी कैंसिल होने की जरूरी उसको पड़ेगी, 15-20 आएगी, लेकिन अगर आप इस इवेंट से गुजरे हो कभी जैसे मड में और फिर आपने टेक केयर नहीं किया, जैसे आपको कहीं गाँव जाना पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया काम से, और आपने टेक केयर नहीं किया और कोई घंटा उसको यूज कर रहा है और सेफ कंडीशन नहीं यूज करता, तो वो थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाए। तो जो आपका क्वेश्चन है कि कितना करनी है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन से किसी को होना चाहिए। मिरर की विजिबिलिटी ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छी। और साइलेंसर का अपीयरेंस और उसको क्या रिटायर यूज करेंगे, अच्छा है ये तो, आई कोई चेंज नहीं है अभी इतना कुछ। कॉर्नरिंग के टाइम पे निकल का हैंडलिंग स्टेबिलिटी की इसकी भी है, जो फिर इवन मुझे सबसे ज्यादा ये अभी आप लोग यूएसजी फोर्स आ रहे हैं ना, बहुत ही अमेजिंग हैंडलिंग मिल रही है उससे, मैं आता भी इसी जगह से, बहुत ज्यादा कर्व्स है, मैं मस्त व्यू करता हूं, मजा आता है स्ट्रेट में जाते हुए स्टेबिलिटी की बहुत अच्छी है। और लो स्पीड पे इसकी स्टेबिलिटी मतलब हैंडलिंग अच्छी है। बाकी यार फेयरिंग बाइक जो होती है ना स्पोर्टी लोग वाली, इसमें लो स्पीड में थोड़ी होती है कम स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू वो नेक बाइक्स। एबीएस फीलिंग ठीक है, परफेक्ट है, थोड़ा सा अग्रेसिव है बट आई थिंक इंडियन रोड्स के लिए वो होना चाहिए, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और टायर परफॉर्मेंस है आप सेटिस्फाइड अभी तक तो यार 5000 ही चला है, 5000 समथिंग 4900 बट अभी तक तो अच्छा है काफ़ी। हैंडल के टर्म्स में मतलब कंफर्ट है कोई, मतलब कंफर्ट पोस्चर पूछ रहे हैं आप, ये फिर से नहीं हैंडल क्या मतलब टर्निंग रेट बहुत कम है, बहुत कम है, मैं गैराज में खड़ी करता हूँ अपने घर में तो वहाँ घुसाएं मुझे तो तीन बार में कर नहीं सर, वो होता क्या है जितना पोस्चर ऐसा जाएगा ना उसका एक कास्ट का एंगल होता है, जैसे हर व्हीकल का सेम ऐसे स्प्लेंडर में देखोगे आपको थोड़ा सा बहुत जल्दी आप कम स्पेस में ज्यादा वो कर सकते हैं, फिर लेंथ डिपेंड करती है व्हीकल के।
सीट का डिज़ाइन स्पोर्टी लुक के हिसाब से तो बहुत मस्त है, वो मेरे लिए तो स्पोर्टी लुक ही सही है, वो मैन कर रहा है। और राइडर से आपने कभी फीडबैक लिया है कंफर्ट के बारे में? वो राइडर पिलियन या पिलियन ने हमेशा मुझे जीरो रेटिंग दी कि भाई तू लेकर ही मत आया कर इसको, अगर मुझे उठा रहा है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइडर का राइडर दे दिया 3 दे सकते हैं पॉइंट कम्फर्ट में, तो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है वो बाद में क्या यहाँ पे रिस्ट पैन एक बैक बोन में पहन यहाँ पे बैक में ये कर देता है। अभी मैं आया हूँ 25 किलोमीटर आमेर से मेरे घर से, तो होता ही है मुझे तो आदत हो गई 1 साल से, तो मुझे नहीं होता है किसी न्यू राइडर को देता हूँ वो शिकायत करता है। मतलब सीट थोड़ा डाउन होने की वजह से अभी बाइक का इंस्पेक्शन हो रहा है, ये लोग थोड़े प्रोफेशनल आए हुए हैं R15 की तरफ से, ये पूरी बाइक को देख रहे हैं मेरी। मैंने उनको थोड़ी बहुत जो दिक्कतें थी मुझे मैंने बताई सर को, बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। कोई मैटर ऐसा था इसका कुछ वजह से पेंट उतर रहा था, तो फिर मैंने अभी इसका सर को बताया, यहाँ पे एक सीनियर सर थे। देखो मैटर सिर्फ इतना सा, ये कलर बहुत डिसअपॉइंट कर रहा था, तो इसको हमने रिप्लेसमेंट होगा पूरा पार्ट, और अभी चेन लियो वगैरह करी इन लोगों ने। बाकी मेरा छोटा सा सर्वे हुआ है, मुझे थोड़े से गिफ्ट्स मिले हैं, ये चेन लियो पे चेन क्लीनर है एंड ऑल्सो ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल है। बाकी मेरा अच्छे से रिव्यू लिया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा भाई मुझे। यहाँ मैंने मुझे स्पेशली बुलाया, उससे पूछा बाइक बाइक कैसी चल रही है आपकी, ये है वो है। वर्जन 5 आने वाला है, तो कुछ अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर उसको भी बाय करूँ। टोटली सेटिस्फाइड, ऑल सॉर्टेड फॉर टुडे। मेरा टैंक का ये कवर हो गया है, दे गिफ्टेड मी दिस एंड ऑयल ल्यूब एंड ऑल, दे वॉश्ड माय बाइक प्रॉपरली। हाँ इसकी बात कर रहा था मैं, ये ग्रैब व्हील्स होता है, ये पूरा कवर होता है। हाँ अगर आप लोग ये जेन्युइनली अपना खुद का देना शुरू कर दो ना, वो मच बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए आप ये देख रहे हैं रस्टिंग क्वालिटी इशूज़, तो वो जेन्युइन पार्ट की बात अलग होती है। इनफैक्ट ये कुछ माउंटेनिंग बाइक्स में ना आ रही दे रहा है, पीछे तक आता है वो, उसमें लगेज वगैरह का आता है, तो वो लोग इसको भी कवर कर देते हैं सारे, क्योंकि वो टूरिंग बाइक उन्होंने पे रखी है। एग्जैक्टली, करेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप करिए, बिल्कुल करिए। ओके सर चलता हूँ, टेक केयर, यू टू। अभी के लिए मैं सॉर्टेड हूँ गाइस, और मेन चीज़ ये है कि सर लोगों ने मेरी बाइक को एकदम कर दिए राफ चेक, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफ यामाहा। मज़ा ही आ गया भाई, मतलब इतनी अच्छी सर्विस देखने को मिल जाती है ना, तो आपने जो पैसा खर्च किया होता है ना बाइक के ऊपर, तो इट इज़ टोटली वर्थ इट। अच्छे से बाइक धोके दी है फ्री में, मुझे गिफ्ट दिए हैं थोड़े से, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर मी, विच इज़ फॉर माई बाइक, बट मेरी बाइक को मिल गया, मुझे मिल गया भाई, आई लव यू माय बाइक, लव यू। अभी के लिए मैं घर के लिए निकल चुका हूँ भाई, और जो नॉर्मल से मेरे रिव्यूज़ थे मैंने इनको दे दिए हैं, जो भी मेरे रिव्यूज़ थे ना मैंने शेयर कर दिए हैं विद देम कि भैया मेरे को ये इश्यूज़ हैं, तो देखो होप सो फीडबैक मेरा मैटर करता है। मैंने क्लिप एक ऐड भी की है थोड़ी, जितना जितना आप लोग सुन पाओ समझ पाओ, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है मैं उन लोगों को कैमरा लेता, आइदर देवर कम
वर्जन 5 आने वाली है। मेन चीज़ देखो, सबसे बड़ा र्यूमर यही है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा कि वर्जन 5 इज़ अबाउट टू कम। और ये मैंने कर दी है गलती, ये बाइक को गंदी करने की। स्लोली 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 स्लोली। हाँ तो मैं था भाई, अभी बाइक आने वाली है R15 V5 वर्जन 5.0, तो उसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो सब लोग, मतलब आप खुद देख लोगे यार बाइक कैसे भी ये लोग डेवलप करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। पहले कस्टमर से भाई पूछते हैं, ऐसे इन्होंने V4 को लॉन्च की थी, V4 में इश्यूज आ रहे थे कि उसमें मतलब यही दिक्कत थी, भैया TCS नहीं है, भैया ये नहीं है, वो नहीं है। आगे रास्ता नहीं है क्या? पहले आप सर, फिर हम निकलते हैं सर। सर देखो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की उन्होंने पूछी थी ना उससे, तो ये चीज़ मैं ये दिखा देता हूँ। अड़ी नहीं अड़ी, अब कोई और इसकी जगह बाइक होती ना भाई वो अड़ जाती। तो V5 के लिए मेन चीज़ भाई यही है भाई, थोड़ा सा पोस्चर सही कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पिलियन बैठे ना बैठे, क्योंकि मैंने ये ली नहीं पिलियन को बिठाने के लिए, राइट, मैंने लिए अपने मज़े करने के लिए, और वो मैं कर रहा हूँ मत दबा के। थोड़ा सा क्लच एडजस्टमेंट कर दिया इन्होंने मेरी बाइक का। बाइक कहाँ जा रहा है यार, इंडिकेटर तो देख, एटलीस्ट इंडिकेटर देना चाहिए ना तुझे। तो थोड़ा सा इन्होंने मतलब क्लच का कराया शायद कुछ, इससे कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े आई डोंट नो, बाकी जो मुझे फील हो रहा है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। That's it for today guys, आज के लिए बस इतना ही। अब जब भी मैं इसका रिप्लेसमेंट कराने आऊँगा टैंक का, तब आपको ज़रूर ब्लॉग दिखाऊँगा गाड़ी का। तो तब तक के लिए प्लीज़ इसके ट्यून, और मैं जानता हूँ मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं बना रहा हूँ ब्लॉग, बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार, ग्रो मी, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब शेयर वेयर करके थोड़ा सा व्यूज़ आता है ना। अब मेरी सर्विस वाली पर 2.5 के समथिंग आए थे, उसके बाद मैंने ब्लॉग्स बनाए थे, बट फिर कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बस थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ और थोड़ा काम में बिजी था अपने वर्क वगैरह में, तो बस वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। यू आर एट योर होम एंड यू फाउंड दिस ब्यूटीफुल व्यू। Right.